हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बेसिक्स। मैं हूं पूनम। कैसे हैं आप सब? तो लोहड़ी आने वाली है, लोहड़ी के आप सभी को लख लख बधाइयाँ। लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने एक पंजाबी लुक क्रिएट किया, मैंने ट्राई किया ये लुक क्रिएट करने का, तो उम्मीद करते हो आपको ये लुक पसंद आएगा। आपको मेरा ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नीचे बेल आइकन में सेट करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो भैया करते हैं स्टार्ट। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। तो टोनर जब भी आप मेकअप करते हैं आपको मेक श्योर कि आपको क्लिनजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजर करना है, तभी आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आपके पीएच टोनर आपके पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है, और जब आपका बेस बहुत अच्छा होगा तभी आपका मेकअप भी फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट स्किन रिपेयर फेशियल ऑयल। तो मॉइस्चराइज़र की जगह मैं फेशियल ऑयल यूज़ करें, इसके 2 से 3 बूंदे अपने फेस पे डाल के मैं इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी अपने फेस पे। इससे आपका बेस मेकअप बेस बहुत अच्छा बनेगा। और सॉरी फॉर वॉइस ओवरिंग, क्योंकि मेरी जो वॉइस थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसलिए मुझे ओवरवाइजिंग करनी पड़ रही है। मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्राइमर। ये 3-in-1 प्राइमर है, प्राइमर, प्रोटेक्टर, मॉइस्चराइजर। ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपके मेकअप को बहुत देर तक आप फेस पर टिका रहता है। और जब तक ये मेकअप प्राइमर सेट होता है तब तक मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ NY का कंसीलर। और आई मेकअप करने से पहले अगर आपके फेस अपने आईज़ को कंसीलर कर दोगे तो जो आपका आई मेकअप है बहुत अच्छा फ्लॉलेस लगेगा, बहुत अच्छा सा कलर खिल के आएगा। मैंने अपने पूरे आई लिड पे अपना NY का कंसीलर लगा लिया। अब मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे सेट करूंगी ताकि ये केकी केकी सा ना लगे, अच्छे से ये सेट हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फिनिशिंग पाउडर। तो मैंने जो कंसीलर लगाया उसे सेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो आई शेडो मेकअप है वो केकी केकी सा लगेगा। तो मैंने इसे लूज पाउडर से सेट कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट पिंक कलर का आई शेडो, इस ट्रांजिशन कलर यूज करूंगी। ट्रांजिशन कलर लगाना जरूरी होता है, तब भी आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, अदरवाइज आपका मेकअप अच्छा आई मेकअप अच्छा नहीं लगता। अब मैं यूज कर रही हूँ उससे थोड़ा सा डार्क कलर जो अपनी क्रीज लाइन पे बनाऊंगी। इस कलर को मैं अपने आउटर भी और क्रीज लाइन पे सेट करूंगी। और आई मेकअप में सबसे अच्छी चीज़, जितना आप ब्लेंडिंग करेंगे आपका मेकअप उतना ही सुंदर, उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। आई मेकअप तभी सुंदर लगता है जब आप उसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो आप जितना हो सके उसे अच्छे से ब्लेंड करें। और मैं इस कलर को तब तक यूज़ करूंगी जब तक जो कलर मुझे चाहिए नहीं मिलेगा। मैं अपनी दूसरी आईज पे भी वो डार्क पिंक कलर को क्रीज अपनी क्रीज लाइन पे सेट कर रही हूँ, और आउटर वी पे भी सेट किया है मैंने। देखो कितना अच्छा कलर निकल के आया। कंसीलर लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, देखो कलर कितने अच्छे से खिल के आता है, अदरवाइज फिर वो बहुत डल सा कलर दिखता है। आप जितने अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे उतने ही अच्छे से आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं NY का जो कंसीलर है उसे अपने आई बॉल पर लगा रही हूँ, सिर्फ अपनी आई लिड पर ही लगाऊंगी। ये कट क्रीज आई मेकअप भी बोल सकते हैं इसको। अब मैं इसको पाउडर से थोड़ा सा सेट करूँगी, लूज पाउडर से जो मैंने कंसीलर लगाया उसे मैं सेट कर रही हूँ। अब मैं जो पिंकिश गोल्डन कलर का जो शिमरी आई शेड है उसे अपने जहाँ पे मैंने प्लेस किया है कंसीलर वहीं पर ही उस पर ही लगा रही हूँ।
उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब मैं एक ग्लिटर वाला आई शेडो ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने आई वो लगाया कंसीलर और आई शिमरी आई शेडो लगाया वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उसको लगा रही हूँ, उससे एक बहुत अच्छा सा कलर निकल के आएगा। देखो और अब मैं बाकी साइड में जो अपनी क्रीज लाइन है उसे फिर से क्लीन कर रही हूँ, जो हार्श लाइन है उसे क्लीन कर लूँगी। दोबारा से पिंकिश कलर लेके मैं अपना जो क्रीज है उसे सही कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का मस्कारा। ये मस्कारा अच्छा तो है बट इसका जो एप्लीकेटर है वो थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज ये आपके जो आई लैशेज है उसे वॉल्यूम देता है और बहुत अच्छा सा कर्ल भी देता है देखो। बट हाँ इसका ना जो एप्लीकेटर है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब मैंने स्विस ब्यूटी का लाइनर लिया है और एक अच्छा सा विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। इसका स्विस ब्यूटी का जो ये लाइनर है इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली लगता है, इसको लगाने में दिक्कत नहीं होती है और एक अच्छा सा विंग लाइनर क्रिएट कर देता है बहुत अच्छे से। देखो कितने अच्छे से लगा है, ऐसे ही मैं दूसरी आईज पे लगाऊंगी। देखो कितने अच्छे से मेरी विंग लाइनर लग गया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राउ पैलेट से ब्राउन कलर और अपनी आईब्रो को सेट कर रही हूँ। ऐसे ही अब मैं दूसरी आईब्रो को भी सेट करूंगी। अब मैं अपना आईब्रो उससे मैं इसको अपना सेट कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा लगा वो हर रिमूव हो जाए। तो देखो कितने अच्छे से मेरा वो सेट हो गया है। अब मैं एनवाई का डुअल क्या कहते हैं इसको, ये डुअल स्टिक है, ट्विन वन स्टिक है जिसमें हाइलाइटर और कंसील हाइलाइटर और वो है कंटोरिंग है, तो वही हाइलाइटर मैं अपने आईब्रोज पे लगा रही हूँ। अब मैं फेस मेकअप कर रही हूँ और सबसे पहले एनवाई का जो ये ऑरेंज करेक्टर है उसे अपने फेस पे लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे फेस में थोड़े से स्पॉट्स हैं मैं उन्हें कवर करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे वहीं पर सेट करूँगी, इसको फैलाऊँगी नहीं, जहाँ पर है वहीं पर सेट करूँगी। देखो अब मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी का फाउंडेशन। अब मैं इसे अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से डैब डैब करके स्प्रेड करूंगी। देखो कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया और कवरेज भी काफी अच्छी देता है। इसकी कवरेज मीडियम है पर देखो काफ़ी अच्छे से उसने कवर कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एनवाई का कंसीलर, मुझे अपने हाई पॉइंट्स पे कंसीलर कर लगा रही हूँ, अपनी नोज़ पे, नोज़ ऑफ द ब्रीज पे, अपने फोरहेड पे, नोज़ पे, जहाँ आपको लगता है आप वहाँ पे उसे हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसे वहाँ लगा सकते हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सेट करूँगी।
अब मैं अपने आईज के नीचे भी कंसीलर लगाऊंगी। उसे वहीं सेट करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे मैं सेट कर रही हूँ। देखो कितना अच्छे से मेरा फेस कवर हो गया है, कवरेज बहुत अच्छी दे रहा है। अब मैं वही NY का जो ये इनसाइड का जो ये ग्विल है जिसमें कंटोरिंग और हाइलाइटर है, उसमें से कंटोरिंग अपने फेस पे कर रही हूँ, क्योंकि जो क्रीमी कंटोरिंग होती है ना उसे पाउडर सेट करने से पहले लगाया जाता है। तो मैं इसको सेट कर रही हूँ अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला कंटूर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं पाउडर कंटूर यूज़ करती थी। अपने फोरहेड पे भी, मेरा फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है तो इस वजह से मुझे कंटूर करना ही पड़ता है। अब मैं लूज पाउडर इनसाइड का जो लूज बनाना पाउडर है उससे अपने फेस को सेट कर दूंगी। जो भी मैंने लगाया वो, जो भी मेकअप मैंने लगाया वो सेट हो जाएगा। और देखो मेरी नोज कॉन्टरिंग रह गई थी तो मैंने दोबारा से नोज कॉन्टर कर रही हूँ, और एक ब्रश की हेल्प से उसे सेट करूँगी। नोज कॉन्टोर करने से आपके नोज स्लिम लगते हैं, मेरी नोज थोड़ी सी बड़ी है तो देखो कितनी स्लिम लग रही है। अब मैंने जिस कलर से आई शेडो लगाया था उसी पैलेट से मैं एक पिंक, वही पिंक कलर लेके उसी का मैं अपने एप्पल ऑफ द चिक पे एज अ ब्लशर यूज़ करूँगी। देखो कितना अच्छा कलर आया, इसके पिगमेंट बहुत अच्छी है। देखो नोज की टिप पे भी लगाई मैंने। आई मेकअप बहुत अच्छा लगा मुझे अपना। अब मैं सिज ब्यूटी का हाइलाइटर लेके जिसमें अपना हाइलाइट करूँगी। इसमें एक पीचेस और शैम्पेन सा कोई कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने मेरे फेस में बहुत अच्छे से इससे शाइनिंग भी आई थी, बहुत अच्छा लगा कि इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने लुक दिया। देखो कहीं भी ओवर नहीं लग रहा था, अपनी नोज़ पे भी लगाऊंगी। अब मैं, मेरा काजल रह गया था, अब मैंने काजल नहीं लगाया, मैं लैक्मे का काजल लगा रही हूँ। अपनी लोअर लाइन पे काजल लगाया मैंने। अब मैं जो पिंक और कलर से जो मैंने अपने आईज पे मेकअप किया था उसी को लेके लोअर लैशेज पे भी उसको वहीं सेट करूँगी। देखो कितना अच्छा लग खिल किया है कलर, पिंक कलर से लोअर लैशेज को भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आई मेकअप कंप्लीट हो गया था, मैं भूल गई थी, मेरे को लगा कुछ कमी है, बाद में पता चला मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। ऑन द कैमरा मेकअप करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि भी मैंने कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब मैंने लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक मैंने लोकल मार्केट से ली थी और ये
बहुत अच्छा सा इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा देखो, और मेरे ड्रेस से भी प्रॉपर मैच कर रहा था। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने परांदा भी लगाया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा लुक पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।